सोलर सेलिंग इसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। लकीली हमने सर कश्मीर में यहाँ से ही गाजर यहाँ से ही बांडीपोरा से ही शुरू किया है प्रोग्राम। फार्म हमने साथ भी लगाए हैं तो उनको सिर्फ 20% शेयर देना है। पंप लगाए गए हैं जहाँ जहाँ पे भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के पंप लगाए गए हैं वहाँ पे ये मोटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे ये मोटर 50% सर तो अब हमने यहाँ भी शुरुआत इसकी कर दी तो आपका एक बार फिर है उसमें लगभग 40%। तो ये मुझे लगता है कि और कितनी इरीगेशन की फैसिलिटी बांडीपुरा में प्रॉपर प्रॉब्लम है और सुंबल हाजिर में और दो इरीगेशन ऑर्गेनिक फार्मर्स है बाकी लोग हैं इंटरेस्टेड एक तरह से एक ये अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ उन लोगों को तो आप स्पेशली करवा दीजिए जो ऑर्गेनिक। जैसे आपको पता है ये स्कीम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम। इसका मेन मुद्दा मकसद ये है कि जो एरियाज दूर दराज हैं जहां अभी बिजली अवेलेबल नहीं है वहां पर कैसे इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए कैसा दिया जाए। इसी स्कीम के तहत हमें 5000 पंप्स सैंक्शन हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें 80% सब्सिडी मिलती है। एक पंप का 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिलती है, 30% स्टेट शेयर है यूटी शेयर, 20% ही बेनिफिशियरीज को देना है। आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिकेडा के थ्रू जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके कॉन्फ्रेंस कराई गई जिसमें जो हमारे की डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और उसके साथ साथ थ्रू वर्चुअल मोड हमारे डीडीसी मेम्बरान बीडीसी चेयरपर्सन और बाकी पीआरआईज को भी जोड़ा गया जिसमें जो अवेयरनेस कराया गया नई जो एमएनआरई की स्कीम है पीएम कुसुम जिसका मेन मकसद ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पे पानी की किल्लत रहती है या इरिगेशन फैसिलिटी देना ज़रूरी है और साथ ही साथ में इरिगेशन फैसिलिटी सस्टेनेबल मैनर में इको फ्रेंडली मैनर में देने की ज़रूरत है बिना डीजल पंप्स के, उनके लिए इस स्कीम के अंदर सोलर पावर्ड वाटर पंप्स ये दिए जा रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जिसका फ़ायदा मुझे लगता है हमारे आवाम को ज़रूर उठाना चाहिए, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जो बागात हैं या जहाँ पे पानी की किल्लत रहती है वहाँ पे ये अपने वाटर पंप सबमर्सिबल और लिफ्ट दोनों तरह इनको यूज़ किया जा सकता है। ये गुजारिश रहेगी लोगों से कि हमारे जो BDO ऑफिसर्स हैं हमने उनको और हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स को इसके लिए रखा है कि वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं ऐसे फार्मर्स की ऐसे लोगों की जो ये इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये सोलर पावर्ड जो समर्सिबल पंप्स हैं वो लेना चाहेंगे तो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि ये हमारी यहाँ से जो लिस्ट है वो जल्द से जल्द तैयार होकर डिपार्टमेंट से अप्रूव हो और फिर ये जो पंप्स हैं ये आवाम को दिए जा सके।